हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम फिर से खेलने वाले हैं हीरो ट्रक सिमुलेटर 2 और करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल लोड की डिलीवरी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं गेम प्ले के अंदर। तो ओके गाइस, अभी हम आ चुके हैं गेम प्ले के अंदर और आप हमारा ट्रक देख सकते हो। ये अपना ही ट्रक है, हमने पूरा ट्रक खरीद लिया है और मॉडिफिकेशन भी करी है। अगर आप मॉडिफिकेशन की वीडियो देखना चाहें मैं आई बटन में डाल दूंगा, ठीक है। और आप देख सकते हो अभी हमें यहाँ से अभी हम उस लोकेशन पे आ गए हैं जहाँ से हमें अपना लोड उठाना है। और भाई आज का लोड जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं आपको पूरा ट्रक दिखा देता हूँ क्या चमक रहा है। मैंने आज ही धुलवाया है ट्रक, ठीक है। तो चलो, और ये क्या लेके जा रहा है बे, क्योंकि ट्रक बड़ा अजीब सा है। ये लोड भी किसी दिन लेके जाएंगे, ठीक है। तो अभी चलो पहले मैं आपको आगे से ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है। इंजन चालू है अपना और ठपना नहीं, आगे से देख सकते हो भाई अपना ट्रक बहुत ही कूल लगता है। कलर भी मैंने सिल्वर कलर का करा रखा है। अभी छुटकू सा ट्रक लग रहा है क्योंकि भैया सामान है ही नहीं हमारे पास। अभी हम लोड लेने जा रहे हैं। ये लोड आ गया देखो अपना, और आगे ना पोर्ट है। और मैं हॉर्न लगा देता हूँ। और देखो, जो लोग पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को या हमारी इस वीडियो को, मैं बता देता हूँ अभी हम हीरो ट्रक सिमुलेटर की सीरीज़ कर रहे हैं। आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग गेम प्लेज वीडियोज़ आने वाली है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और भाई सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ आज हम क्या ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं। भैया आज हम एक चॉपर ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, मतलब हेलीकॉप्टर। और हेलीकॉप्टर के जो विंग्स होते हैं, या विंग्स या क्या बोलते हैं उसे, जो भी घूमता है वो नहीं है मेरे ख्याल से, वो खोल दिया गया है ताकि टकराए ना, ठीक है। तो अभी इस ट्रक को हमें अटैच करना है, जल्दी से हम अटैच कर लेते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से लेके चलते हैं। और यहाँ नज़दीक में एक पोर्ट भी है। चलो तो पहले ट्रक को हम करते हैं सीधा। ओके, छुटकू सा हेलीकॉप्टर है जो है ना टूरिस्ट, जैसे कि आप अमरनाथ वगैरह या वैसे अगर इंडिया से हो तो जहाँ जाते हैं हम लोग कोई भी ऐसे हिल स्टेशन वगैरह पे, तो वहाँ पे जो हेलीकॉप्टर होता है ना टूरिस्ट के लिए, ये तकरीबन वैसा ही हेलीकॉप्टर है। 4-5 लोग बैठ सकते हैं इसके अंदर। या तो ये मेडिकल, ओके, ये मेडिकल के लिए जो होता है ना, मेडिकल एमरजेंसी के लिए, वो वाला हेलीकॉप्टर वहाँ पे साइन बना हुआ है मेरे ख्याल से। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इसको ट्रक को सीधा करते हैं पहले तो। और अभी तो मौसम अच्छा खासा साफ हो रहा है, ठीक है। और हम ये वाले एंगल से करें क्या? ओके, ऐसे होना मुश्किल है थोड़ा सा। तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं, रिवर्स में ले लेते हैं पहले। भैया रिवर्स में ले लिया और हौले हौले से इसको पीछे करते हैं। हो जा, आंधे, बस। अभी देखो हमने इसके ट्रक के जो ट्रोली, ये ट्रोली है इसके नीचे अपने ट्रक लगा दिया है। अभी हम टी दबाएंगे तो ये जो इसके पैर देखे जो ट्रोलर के, ये ऊपर हो जाएंगे और सारा लोड हमारे इस पर आ जाएगा और फंस जाएगा। तो हम टी दबाते हैं, ये देखो ये घुमा रहा है कोई इंसान। अब ये हो चुका है लोड और हम फॉरवर्ड में डालते हैं, गियर चेंज करते हैं। गियर के लिए भी गियर सेक्टर नहीं ले रखा है मैंने, बस ये हम इससे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई देख सकते हो क्या खतरनाक लग रहा है अपना लोड, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। आप लोग को मैं सही से दिखा देता हूँ, ये रहा कुछ अपना हेलीकॉप्टर, फुल हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट करने वाले। हाँ, इसके जो विंग्स वगैरह जो होते हैं वो खोल दिए गए हैं ताकि टकराए वकराए ना आगे जाके जो। अच्छा देखो, ये जो इंजन डब्बा दिख रहा है ना, इस डब्बे में इसके विंग्स होंगे मेरे ख्याल से। पर लोड बड़ा सेक्सी वाला ले रखा है हमने आज। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं आगे और एक बार हम मैप देख लेते हैं अपने। और यहाँ देखो अपने फोन लगा रखा है हम लोगों ने, फोन में नेविगेशन देखते हैं हम ये। और ये हमारा कुछ कैबिन है जो पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। ये पूरा हमने डेकोरेट कर रखा है। और अभी यहाँ से हमें आगे चलना है,
तो अभी पहले मैं इस वाले एंगल से चलाता हूँ, इस वाले कैमरा एंगल से, और लाइट जला रही थी क्या मैंने भाई, लाइट बंद करनी पड़ेगी क्योंकि चलान कट जाते हैं यहाँ पे लाइट, क्योंकि भाई दिन में लाइट नहीं ला सकते आप रात में जला सकते हो, और मुझे आगे का कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं ठोक ना दूँ। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं हेलीकॉप्टर लेकर के भैया, दिक्कत होगी तो अगर हम हेलीकॉप्टर चालू कर दें तो हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा, आप बताओ कमेंट में कि अगर हम इसको विंग्स लगा दें और हेलीकॉप्टर चालू कर दें तो ट्रक को लेकर उड़ जाएगा नहीं उड़ जाएगा। अबे यार हम गलत जा रहे हैं, अरे पुलिस वाले रुक जा, और हम जा देते हैं। और इस गेम की भी ग्राफिक क्वालिटी देखो भाई, ट्रक की ग्राफिक क्वालिटी देखो क्या गजब ही लग रही है। इस रोड पे सीधा कर लेते हैं अपना ट्रक, और भाई आजकल हम बहुत नुकसान में चल रहे हैं तो एक काम हमें बिल्कुल तमीज से करना पड़ेगा, और तमीज और तरीके से करना पड़ेगा। और पीछे देखो, पीछे देखो कितना बड़ा क्रूज जो है जा रहा है देखो, अबे भाई। और अभी हमें समुद्र का रास्ता भी है वो भी क्रॉस करना पड़ेगा थोड़ी देर में, तो चलो आगे चलते हैं। मैं कुछ देर के लिए इस एंगल से, यहाँ देखो बस स्टैंड है मेरे ख्याल से ये, अभी यहाँ से हम आगे चलते हैं। और आगे भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम प्लेज आने वाले हैं, ड्राइविंग से रिलेटेड भी और नॉर्मल भी। अभी मैं कुछ टाइम में GTA 5 में सारी इंडियन कार्स वगैरह लाने वाला हूँ, फिर उसको ड्राइव करके देखेंगे और उसकी टेस्ट फिटिंग वगैरह करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी चलो अंदर कैबिन के अंदर चलाते हैं इसको, और यहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से हमें लेफ्ट जाना, तो इंडिकेटर दे देते हैं भाई, कोई पीछे से आते नहीं रहा ना, कोई भी नहीं आ रहा, बिल्कुल सावधानी से, क्योंकि भैया हेलीकॉप्टर बहुत ही महंगा होता है, अगर इसको डैमेज करेंगे तो भैया बहुत नुकसान हो जाएगा, वैसे भी मैं नुकसान में ही चल रहा हूँ अभी तक। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं अपने इस मेडिकल हेलीकॉप्टर को लेकर के, और कितना ही खतरनाक लग रहा है भाई, लोग रोड पे भी देख के बोलते हैं क्या ही लेके जा रहा है भाई ये हेलीकॉप्टर, तो ऊपर से वैसे शायद मेरे ख्याल से खराब वराब हो गया होगा, कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, नहीं तो भैया इसको तो उड़ा करके, वैसे हर जगह पे लैंड नहीं होता इसलिए और किसी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। आगे और मार देते हैं, चलो अभी आगे चलते हैं, और यहाँ से नेविगेशन भी देखना पड़ेगा, अंदर वाले कैबिन वाले एरिया भी चलाते हैं थोड़ा। और कैसी जगह जा रहे हैं भाई, ये देखो ये सीन तो देखना बनता है भाई, कितना बड़ा क्रूज है यार ये, इस पे कंटेनर ही कंटेनर लदे हुए हैं, और कैसी कैसी मशीनें लगी हुई हैं, सामान एक सारी किरान है, सारे उठा उठा के रखते होंगे सामान। हाँ ठीक है ना, जा रहा है यार, रुक जाओ दो मिनट, एक सेकंड पीपी पीपी कर लग जाते हैं, मैं भी जाता हूँ ले, अरे तुम से तगड़ा वाला है मेरे पास। आप इस एंगल से देखो, इस एंगल से कितना खतरनाक लगता है, और अभी हम शहर के अंदर है, अभी तो हमें हाईवे पे जाना पड़ेगा, तब भगाऊंगा मैं तगड़ी तरीके से। गोल चक्कर से हमें जाना है सीधा ही, बस भाई डैमेज नहीं करना और चलान में बहुत कम कटवाना है, क्योंकि भैया हमें बहुत नुकसान हो चुका है बहुत बार। यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना है हमें, तो यहाँ पे इस एंगल से हम चलाते हैं ताकि बेहतरीन नज़ारों का मजा आए। टायर देखो, टायर भी दिख रहे हैं, ग्राफिक क्वालिटी भी अच्छी है, जैसे रेस दे रहा हूँ मैं, टायर का मूवमेंट भी तेज हो रहा है,
किसी को साइड नहीं दे रहा, फिर बीच में चला रहा हूँ एकदम। अभी यहाँ देखो भैया, रोड वोड बन रहा है मेरे ख्याल से। ये देखो किरान विरान बुलडोजर वगैरह पड़े हैं यहाँ पे, रेता वेता गिट्टी खुदाई चल रही है, जेसीबी की खुदाई। देखो ओए खोदना बे ओए, ये क्या कर रहा है ये? फोन पे बात कर रहा है भाई, डिस्टर्ब मत नहीं करते हैं। ऊपर ये पुल की भी मरम्मत चल रही है मेरे ख्याल से। यहां से हमें सीधा ही जाना है और देख रहे हो कितना खतरनाक वाला मेरे पास। पीछे भाई कितनी सारी ट्रैफिक है, मैंने 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकी, ट्रैफिक इतनी तगड़ी वाली लग गई है। ओए देखो ओवरटेक कर रहे हैं, ओवरटेक नहीं कर रहा, सबसे आगे मैं चलूंगा, मेरे पीछे पीछे जाओ सब भाई। यहाँ से गाड़ी मोड़नी है तो सीधा थोड़ा तमीज से लाते हैं, तमीज से। और इस कुत्ते को देखो, अभी मैं इससे कुछ सवाल पूछूंगा, ये जवाब देगा। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबने सब्सक्राइब कर लिया, देखो क्या बोल रहा है, नहीं किया तो भाई जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक किया नहीं किया भाई जाके जल्दी लाइक भी करो। अभी यहाँ से हमें ऊपर चढ़ाना है इसको और ब्रेक मारते हैं, स्पीड थोड़ी सी कम करते हैं, एंगल थोड़ा चेंज करते हैं ताकि अच्छा वाला व्यू आ सके। और ये नीले वाला ट्रक वाला हमारे पीछे पीछे आया भाई, इसको मैं आगे आने नहीं। ओए 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 कहाँ चढ़ा दिया मैंने, अभी हम ट्रक चढ़ा रहे हैं। अब अभी हम एक हाईवे पे आने वाले हैं भाई, अभी देख सकते हो हम हाईवे पे चढ़ चुके हैं। भैया शाम भी होने लग गई है, मौसम खराब सा होने लग गया है मेरे ख्याल से। सही वाले एंगल चलाते हैं अभी और थोड़ा सा भगाते हैं, 97 की स्पीड लिमिट है भाई पर। ढंग में चला ले ढंग में, इन कार वालों को बहुत ज्यादा जल्दी होती है। भैया पेट्रोल फुल है, नींद भी नहीं आ रही है अपने आप को, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल बराबर है, हमें बिल्कुल सिंपल से चलते रहना है बस, नज़ारों का मज़ा लेते हुए। भाई हम बहुत स्पीड में, वैसे तो हमें सीधा निकलना है। और ये देखो पहाड़ देखो सारे, लग रहा है कि हम कश्मीर वगैरह में घूम रहे हो, घूमते रहे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो ट्रक चला रहे हो, ऐसा फील आ रहा है। और ये गधे का देखो पेड़ काट रहा है, वह पेड़ काट रहा है वे, तेरी तो लट्ठे एक साइड लगा रहा है, कितने सारे पेड़ काट दिए, पेड़ काटना बुरी बात है। और इधर तो मैं साइड में जा रहा है,
नीचे जा रहा है मतलब हमें। मैंने इंडिकेटर दे दिया है और अभी हम दूसरे एंगल से देखेंगे भाई, ताकि मजा आ सके थोड़ा सा। ओए एक और बंदा हेलीकॉप्टर लेके आ रहा है, देखो एक और ट्रक वाला लेके आ रहा है हेलीकॉप्टर, हमारे जैसा ही हेलीकॉप्टर। तो अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा जूम आउट करके। बड़े कंट्रोल में ढलान है ये, ब्रेक मार करके, नहीं तो या गाड़ी घुस जाएगी कहीं भी। और अच्छा खासा लूट भी अपने पास। और सेम देखो बंदा हेलीकॉप्टर लेके जा रहा है हमारे जैसा, इससे बात करते हैं। आगे आता बेटा, फिर से बात करता हूँ। इसको कितने पैसे मिल रहे हैं इसके, ये पूछते हैं। चलो इंडिकेटर बंद कर देते हैं और ब्रेक मार देता हूँ अचानक से। आ जाओ आ जा, आगे आ जा, देखो आ रहा है। और तुम्हारा भाई पीछे देखिए गाड़ी चला सकता है, अरे तेजी में निकालेगा देखो, अभी हम भी तेज कर लेते हैं। आजा, अबे आ गया ना। ये देखो पानी की टंकी इतनी बड़ी ब्लू कलर की। अबे पीछे ही रह गया वो, चल बे जा, तो बात नहीं करनी होगी। बड़ी घुमावदार सड़क है यार, घुमावदार घुमावदार। अरे लैपटॉप अपना चल रहा होता है, इसमें भोजपुरी गाने चला के छोड़ देते यार। वैसे रेडियो है अपने पास पर कॉपीराइट के इसमें चलाता नहीं गाने। कितनी पतली सड़क है यार, गोल चक्कर से अपन को। अरे रुक जाना सबके साथ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्लू लेके जा रहा हूं मैं। चलो तो यहां से आगे चलते हैं। और देखो हेलीकॉप्टर के अंदर की सीट्स भी दिख रही हैं। क्या जहर लग रहा है, ओए ठुकना नहीं भाई, बस भाई स्पीड बहुत ज़्यादा है। ठुक गई ठुक गई ठुक गई, देख मैंने कहा था ना बदली ज़्यादा तगड़ी ही ठुकी नहीं तो भैया डैमेज हो जाता। अभी एंगल चेंज कर लेते हैं, आगे रेड लाइट है और आगे से हमें लेफ्ट लेना है। रोड घेर लेते हैं, कार वाला आ रहा है, रुक जा थोड़ी देर भाई। और यहाँ पे भाई दो एक आध कंट्री के झंडे लगे हुए हैं, देखूँ क्या क्या है। एक तो इंग्लैंड का झंडा है मुझे पता है, बाकी दूसरा किसका है मुझे नहीं पता, कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप लोग को पता होगा तो। रोड देख लेने का चारों तरफ, इधर से कोई आतंक रहा ना, वैसे रेड लाइट है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यहाँ से मोड़ लेते हैं और ये कोई बड़ा पोर्ट वोट है। ओके हमें यहाँ अंदर लेके चलना है बे। ओके और देखो ये पोर्ट है पर ये अलग वाला है, ये जहाँ से हम रेगुलर आते हैं ये वो वाला नहीं है। हमें कहाँ जाना है, हमें यहीं खड़ी करनी है क्या, ये हमारा ट्रक उठा करके लोड कर देंगे क्या। एंटर किया, ओके यहीं से भाई। यहाँ पे हमें ट्रे, वैसे हम और वाले में हम जो बोट के ऊपर लोड कर देते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े लोड बोट होंगे या जो भी क्रूज बोलते हैं, ठीक है। तो
तो शायद उसकी वजह से हमें लोड करने का ऑप्शन नहीं आया, बस डायरेक्ट वो हमें एक जगह पे छोड़ देंगे ले जा करके। ठीक है, और रात भी हो गई है, बहुत लंबा डिस्टेंस था क्या? हाँ देखो रात हो गई है, अभी यहाँ से हमें कहाँ आना है भाई? यहाँ पे सोने की जगह मैं पहले सो करके दिन कर लेता हूँ। चलो पार्क करने की जगह दिख तो रही है यहाँ पे, पर मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे सीधा खड़ा करके देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्या। हाँ इंजन बंद किया, रेस्ट के लिए हमने वो कर दिया ताकि दिन हो जाए और अच्छे अच्छे नज़ारों का मज़ा ले सके। बिल्कुल भाई दिन हो चुका है, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। अभी हम इंजन चालू करते हैं और चारों तरफ नज़ारे देखो भाई, एक तो यूनाइटेड नेशन का झंडा है, एक इंग्लैंड का झंडा है, और ये कौन सी कंट्री का झंडा है मुझे नहीं पता, ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरे को। और ये देखो ये वाली बोट है शायद हम इस पर आए हैं क्या, और ये बड़े वाले क्रूज वगैरह देखो भाई। अभी यहाँ से हम तेज चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाना है हमें। पहले तो हम इसको थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, इसको यहाँ से ऐसे किया और बिल्कुल सावधानी से इसको मोड़ लेते हैं, इतना नहीं मोड़ने का। चलो तो अभी हमें यहाँ से पहले अंदर देख लेता इधर चलना है, इधर जाना है। और आगे देखो आगे भी जो भाई सारे बोट वोट पड़े खड़े हैं, नहीं आगे बोट नहीं है, आगे बस बिल्डिंग्स हैं। चलो फिर यहाँ से इसको मोड़ते हैं, बिल्कुल ही सावधानी से। और यहाँ देखो ट्रक मतलब स्टीयरिंग कितना वाइब्रेट करता है, मस्त वाला। सीढ़ियाँ बना रखी हैं यहाँ पे, भाई ट्रक उधर गुजरते हैं यहाँ सीढ़ियाँ क्यों बना रखी है कुछ लोगों ने। और मुझे देखना पड़ेगा किधर जाना है, सीधा ही जाना है। चलो आगे वाले एंगल से जाते हैं, अभी हम सीधा चलते हैं इस वाले एंगल से चलाते हैं। हेलीकॉप्टर दिख बहुत छोटा सा रहा है पर है बहुत बड़ा भाई, इतना छोटा भी नहीं है। थोड़ा सा स्पीड कम करके हौले 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 लेके चलने का, एंगल चेंज करते हैं, इधर से गिर जाना है, इंडिकेटर दे देते हैं वैसे रोड पे कोई है तो है नहीं, कोई डर वाली बात नहीं। हॉर्न बजाते हैं एक बार, कोई आ रहा क्या इधर से? सिंगल लेन रोड है तो बड़े हिसाब से चलना पड़ेगा भाई, 50 की स्पीड लिमिट है। और यहाँ से शायद हम किसी हाईवे से कनेक्ट हो जाएंगे, और आगे भी तालाब वालाब है क्या, रिवर है बोल दो। ओए 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 हमें इधर जाना है, इधर से ट्रैफिक आ रहा है तो बड़े ध्यान से करना पड़ेगा भाई, जब ट्रैफिक खाली होगा हम तभी आगे बढ़ सकते हैं। मुझे दिख नहीं रहा कुछ भी सही से, ट्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा है, एंगल चेंज करें क्या? ये देखो ये है शरीफ आदमी, इन्हें कहते हैं अच्छे ड्राइवर, मेरे लिए जगह रोक दी। अब भाई मैं तुम्हें इस एंगल से दिखाऊं क्या? पहले तो नहीं, वो दूसरा एंगल कर लेते हैं भाई क्या, ताकि ट्रक टकराए ना। भाई बहुत खतरनाक वाली ब्रेक मारी मैंने, तभी ठुकरी घुस जाती है वो। स्टीयरिंग सीधा कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं भाई भाई भाई, थोड़ा पीछे करोगे भाई साहब? हेलो हेलो भाई साहब, ओ हेलो, नहीं सुन रहा ये तो। चलो इधर से निकालते हैं सीधा, जगह बची हुई है मगर जगह ज़्यादा नहीं बचेगी।
भाई जो कितनी सी जगह से निकाल रहा हूँ मैं ट्रक, और पीछे ट्रैफिक लग चुका है। हाँ आप क्या समझदारी वाले काम, ऐसे काम क्या करो भाई साहब। चलो आप जाओ तुम, मैं चला जाऊँगा। गाड़ियाँ लेके जा रहा है, पेट्रोल की टंकी पता नहीं क्या क्या लेके जा रहे हैं ये लोग। और भाई देखो कितने बड़े बड़े विंड मिल है। आगे कोई आ ना जाए, गाड़ी रुकी भी नहीं तो मेरी बैंड बज जाएगी। और भाई कितना ट्रैफिक लग गया 1 मिनट के अंदर, अभी ठुकती भाई अभी घुस जाती इस ट्रक में। भाई कितना लंबा ट्रैफिक जाम थक गया था, 1 मिनट के अंदर जाम लग जाता है। ये मोटर होम भी लेके जा रहा है वो। चलो अभी थोड़ा भगाते हैं भाई, क्योंकि भैया ऐसे तो बहुत देर हो जाएगा अगर आते धीरे धीरे चलेंगे तो, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो ओके गाइज, आज अपनी ट्रिप का दूसरा दिन है और हम दिन दिन में चल रहे, रात को सो जा रहे हैं, और अभी भी 400 किलोमीटर तकरीबन बचे हुए हैं, तो थोड़ा लंबा ट्रिप होने वाला है। अबे यार हल्का सा भी इमरजेंसी लाइन पर चढ़ा दो ना गाड़ी तो बह 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 कर लग जाती है। और हम रिवर के किनारे किनारे चल रहे हैं, देखो रिवर चल रही है साथ में हमारे। और अब गाड़ी में भगा रहा हूँ दबा के, क्योंकि अभी 80 की स्पीड लिमिट है और हम बहुत धीरे चल रहे हैं, क्योंकि आगे अभी 400 किलोमीटर बचा हुआ है डिस्टेंस। और ये एरिया मुझे पता है, हमने पहले भी यहाँ से गुजरे हैं। यहाँ पे एयरपोर्ट बहुत बड़ा वाला, मैं दिखाऊंगा आप लोग को, बहुत सारे हवाई जहाज बहुत नज़दीक खड़े होंगे हमारे। आ गई ये जगह, आ गई, थोड़ा ट्रक धीरे कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे एयरपोर्ट है, देखो। अबे भाई बाहर से दिखाऊं क्या, ये देखो कितने सारे हवाई जहाज खड़े हैं। ये एयरपोर्ट का हैंगर होता होगा शायद, यहाँ पे हवाई जहाज खड़े हैं सारे। आए, आए, आए। कभी ऐसा भी होगा हम हवाई जहाज भी ट्रांसपोर्ट करेंगे क्या? थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा अभी। जैसे मैं हिलाता हूँ ना सामान भी, देखो हिलता पूरी ट्रक का। पीछे बस वाले ने कितना गंदा कट मारा अभी। और ये देखो हॉट एयर बैलून भी उड़ रहे हैं, देखो आपने देखा, मैं बाहर से दिखाता हूँ आपको, क्या मस्त नजारे हैं भाई। तीन तीन हॉट एयर बैलून उड़ रहे हैं। कोई हिल स्टेशन या कोई फेमस जगह होगी यहाँ पे, यहाँ पे लोग टूरिस्ट आते होंगे। अब क्यों काटा बे, अब क्या किया मैंने? छोटी छोटी बातें इस गेम में पैसे काट लेते हैं, बंदा कर्जदार ही रहता है हमेशा। ओके गाइस, अभी हम एक हाईवे पे जा रहे हैं बस ये सीधा, और अभी लगता है कि मुझे पेट्रोल डलवा लेना चाहिए। पेट्रोल है अभी, बट इमरजेंसी के लिए आगे कम ना पड़ जाए तो पेट्रोल डलवा लेते हैं। और ये देखो भूसे के कितने बड़े बड़े बंडल बना के रखे हुए हैं। 200 मीटर आगे पेट्रोल पंप है, और हम दूसरी एक कंट्री क्रॉस करने वाले हैं। एक जर्मनी का झंडा है मुझे पता है इसमें से, और एक यूनाइटेड नेशन का झंडा है। अरे पेट्रोल पंप है कहाँ पे? ये तो पार्किंग है, आगे है पेट्रोल पंप। ओके पेट्रोल पंप नहीं है यहाँ पे, यहाँ पार्किंग है बस। पेट्रोल पंप आगे होगा मेरे ख्याल से, या मतलब बोलो हम भैया हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, बॉर्डर से गुजर रहे हैं हम एक। और यहाँ है पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल थोड़ा डलवा लेते हैं, इंडिकेटर दे देते हैं। और यहाँ पे रेट भी लिखा है मेरे ख्याल से, देखो बोर्ड पे। इंजन बंद करने का,
एंटर मारने का कितने 70 लीटर 200 लीटर पार कर चुके हैं भाई हम। भाई कितना पेट्रोल आ जाता है इसके अंदर, 400 कुछ लीटर, 1000 यूरो का पेट्रोल डला है भाई। इंजन ऑन करते हैं, पैसे कट गए अकाउंट से, वैसे भी हम क्रेडिट में चल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं हम अभी। और भाई देखो ये ट्रक वाला क्या लेके जा रहा है यार, ये पत्थर लेके जा रहा है क्या, जो कोई बॉक्स वगैरह लेके जा रहा है, इससे पूछे क्या पास जा करके, ट्राई करते हैं। जैसे ही मैं इसके पास जाता हूँ तो या तो आगे पीछे कर लेगा या तो आगे कर देगा ये, पता नहीं इनको बात करने में शर्म आती है क्या होता है। अभी बात करेंगे इसे। ओ हेलो, ओ हेलो, फिर पका दिया। ये करना बहुत रिस्की हो सकता है मगर। ओए गधे के बच्चे क्या कर रहा था बेवकूफ गधेड़ा, आके मेरे में ठोक गया भाई, उसे मेरी क्या गलती थी, मैं तो अपने लाइन में चल रहा था। दोबारा इससे बात करने का ट्राई करते हैं, मगर बहुत रिस्की है, बहुत संभल के करना पड़ेगा, ट्रक ठुक सकते हैं दोनों के। और साइड से भी भैया ट्रक जो हाईवे बहुत चौड़ा है, कार भी जा रही है सारी। इससे बात करते हैं। ओ हेलो भाई साहब, ओ सुनना, ओए हेलो, ओए क्या लेके जा रहा है इसमें, ओए भैया उसकी ट्रक ठोक दी मैंने, रुक गया वो, सॉरी पैसे तो अपने कटे भाई, अब नहीं करेंगे सदा नहीं, तमीज से लेके चलते हैं अब। नीचे तो रास्ता होगा मेरे ख्याल से, दूसरा एंगल से मुड़े। आ चुके हम एक हाईवे पे, चलो तो अभी आगे यहाँ से चलते हैं। और भाई कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे, सफेदे के पेड़ हैं मेरे ख्याल से सारे यहाँ। और यहाँ पे रेड लाइट भी है भैया, और साथ ये हाईवे वाईवे क्या है, ग्रीन हो चुकी है, ग्रीन नहीं हो रही है। ये सही है कि ऊपर भी लगा रखा होता है रेड लाइट, और एक मैंने कहाँ रुकी और सहाय कर लेता हूँ। अभी क्या ही दिखेगी मेरे को, इधर से दिख रही है देखो अपना लाइट, ग्रीन हो गई, ग्रीन हो गई, ग्रीन हो गई, ग्रीन हो गई, इंडिकेटर दिखाते हैं। ओए रुक जाइयो गधेड़े, और देखो यहाँ से अपनी लोकेशन दिख रही है कि हम पहुँचने वाले हैं अपनी जगह पे। और भाई देखो अपना सारा सामान रहता है, बैग वैग तकिया लैपटॉप फोन। ओ भाई मैंने रेड लाइट देखा नहीं था, पर सही था कि ग्रीन हो रखा था, इनका अभी चालान कट जाता और पैसे कटते भाई। नहीं भाई जंगल नहीं है ये तो, ओ यार रेड लाइट नहीं देखा मैंने, इतनी तो रेड लाइट होती है सड़कों पे। एक और डीलर डिस्कवर हो गया शायद, अब बात कर सकते हैं इससे। ओए कहाँ जा रहा है, अरे तो आगे निकल गया, मुझे कहा अपना ट्रक पीछे जा रहा है, अपने को सीधा ही जाना है। यहाँ मुड़ना है क्या, नहीं यहाँ नहीं, ये कुछ और है, ये अपना नहीं है। किसी
बड़े शहर में हम आ चुके हैं और यहाँ से इंडिकेटर भी दिखा देते हैं या बोलते हैं दे देते हैं। मैं ऐसी खड़ी करता हूँ ना तो मुझे रेड लाइट नहीं दिखता। अभी देखो अभी भी नहीं दिख रहा मेरे को, जैसे रेड लाइट हो रखी है पीछे और ट्रक व्रक है, ग्रीन हो चुकी है। अभी इस वाले एंगल से ही हम लेके चलते हैं। और यहाँ से हमें इधर घुसेड़ना है, इस बिल्डिंग में लेके चलनी है क्या? हाँ इसी बिल्डिंग में लेके चलनी है भाई। पीछे कोई है तो नहीं ना? अभी कर दिया एंटर मारा, ये वाली पार्किंग करेंगे हम। ओके ठीक है कंफर्म करते हैं। और भैया ये काम थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है मेरे ख्याल से। ठीक है तो थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं और देख लेते हैं भाई ये कहाँ पे है। बिल्कुल प्यार से मोहब्बत से इसको बिल्कुल सही से पार्क करते हैं, क्योंकि पार्क करेंगे तो हमारी एचपी बढ़ेगी, एक्सपी सॉरी। कर दिया है अभी देखो ट्रोलर को अनलोड करते हैं। अनलोड मतलब हाँ अटैच था ये। और हो गया आपका काम खत्म। ओके गाइस आज के लिए इतना ही। और आप अगर यहां तक देख चुके हैं तो आपको तो पता ही होगा क्या करना है, सिंपल सा एक लाइक करना है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा आगे आने वाले टाइम में हम बहुत सारे मोड्स लाने वाले हैं इस गेम के अंदर, और बहुत सारे इंडियन व्हीकल्स बस ट्रक ऐसी चीज़ों को चलाने वाले हैं, वो भी इंडियन लोकेशंस पे। और भी हम GTA 5 के अंदर इंडियन सारी जो कार्स हैं वो लाने वाले हैं मोड्स के थ्रू, और इस स्टेरिंग व्हील से प्ले करने वाले हैं। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम प्ले वीडियोज आने वाले हैं, ड्राइविंग से रिलेटेड भी और वैसे भी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग गेम प्ले वीडियोज को देखते रहने के लिए कीप वॉचिंग सिली प्ले।